नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के एक बार फिर से बहाली निकली है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस विभाग में ये बहाली निकली है, आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और साथ ही आपकी सैलरी क्या होगी। ये तमाम जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पतालों में 23 विभागों स्पेशलिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली निकली है। ये संख्या है 1,349 पदों पर ये बहाली निकाली गई है। आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। वो वेबसाइट भी हम आपको बता देते हैं। वेबसाइट है www.bpsc.bih.nic.in। इस पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं और ये सभी स्मॉल लेटर में है। अब आपको आपकी आयु सीमा बताते हैं कि कितने साल तक के उम्र के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 45 साल अधिकतम उम्र दिया गया है, इतने साल तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताते हैं, आपके लिए क्या जरूरी है, आप की क्या क्या डिग्री होनी चाहिए तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास एनडी एमए की डिग्री और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस, ये बेहद ही जरूरी है। अगर आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप चूक सकते हैं इस इंटरव्यू में जाने से, तो इसीलिए आपके पास ये डिग्री होनी अनिवार्य है। चलिए शुरुआत में हमने आपको बताया था कि सैलरी आपकी क्या होगी। तो सैलरी आपकी 15,600 से 39,100, ग्रेड पे 6,600 रुपए और पे लेवल 2 पे ये सैलरी निर्धारित की गई है। अब जानते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, मेडिकल एग्जाम लिया जाएगा, फिर ऊपरी आयु सीमा में सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी दी जाएगी। अगर आपकी ज्यादा आयु है और कम आयु आपकी कम आयु वाले लोग हैं तो आपको ज्यादा आय वाले लोगों को छूट दे दी जाएगी। तो ये डिसाइड किया गया है। साथ ही फी, जब आप फॉर्म डालेंगे तो आपको कितने पैसे देने होंगे उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूयूएस के लोगों को 300 रुपये फॉर्म भरते वक्त देना पड़ेगा और इसके अलावा एससी एसटी की महिलाओं को 225 रुपये देना होगा, इनके लिए छूट रखी गई है। तो जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको इतने पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे। अब जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या है, जब आप इसमें फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आपको उस वक्त फॉर्म भरते वक्त में लगेगा, तो वो बता देते हैं। 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, उम्मीदवार का फोटो और सिग्नेचर होना चाहिए, इसके साथ ही जाति प्रमाण पत्र और इसके साथ ही मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप रखें और आधार कार्ड भी अपने पास रखें, उसका एक फोटोकॉपी निकाल के ले लें। तो ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके पास उस वक्त होने चाहिए जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। अब आप आवेदन कैसे करेंगे, जो प्रक्रिया हमने आपको बताई है वो उस तरीके से ये चीजें जरूरी है। अब आवेदन किस तरीके से किया जाए वो हम आपको बताते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट है www.bpsc.bih.nic.in, इस पर जाइए। इसके बाद आप ऑनलाइन पर क्लिक करिए, उसके बाद जरूरी डिटेल के साथ फॉर्म फिलअप करें, डॉक्यूमेंट्स जमा करके फीस सबमिट कर दें, जो फी दी गई है उसको आप सबमिट करेंगे। उसके बाद आप फॉर्म सबमिट करने के बाद एक प्रिंट आउट उसका निकाल लें जो फॉर्म आपने फिलअप किया है। तो इस तरीके से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये वैकेंसी आई है, तमाम जानकारी हमने आपको दी है। जो भी उम्मीदवार इसके लिए इच्छुक हैं वो जाइए और फॉर्म फिलअप कीजिए। और भी इसी वीडियो के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।